तो बच्चा ये बताओ, रिंग का सेंटर ऑफ मास, मान लो रिंग ऐसे है, एक पूरी रिंग है मान लो, तो पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सिमेट्रिक सेंटर पे। हाँ, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर, मानते हो बच्चा? यस सर। ठीक है, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, ठीक है। चलो, अगर मान लो आधी रिंग है तो ऐसे, बोलो भाई, एनी आइडिया? देखो इसके डायमीटर के मिड पॉइंट पे सर, बच्चा सुनो, मुझे, हाँ जी बोलो। रेडियस पे मतलब देखो बच्चा, डायमीटर के मिड पॉइंट पे। हाँ वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते। देखो ये रिंग जो है ना, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है बच्चा, मानते हो? हाँ यस ना, सर। बोलो। तो यस जिस सर। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ये एक्सिस कौन सी है, वाई है ना, तो जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, तो दूसरी एक्स, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो जीरो आएगा। मतलब मुझे बस जो हाफ इस साइड है ना, जितना हाफ इस साइड उतना ही इस साइड है, तो मुझे इतना पता है बच्चा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो जीरो आएगा। मानते हो? तो यही लाइक करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा। हाँ ना, बोलो। यस सर। लेकिन वाई जो है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ अलग होगा, एक्स तो जीरो होगा, पक्की बात है। अगर कोई बॉडी वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर कोई बॉडी वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। और अगर कोई बॉडी एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उसका क्या क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मान लो मैं रिंग ऐसे बनाता, आधी रिंग मेरी ऐसे बनती मान लो, तो अब इसका क्या होता, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब सुनो, निकालें कैसे, वाई कैसे निकालें, एक्स तो जीरो है ही। हरमन जी यस सर। लेट हो गए बच्चा, सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया कि हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर पूरी रिंग है मेरे पास, तब तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा बच्चा, मानते हो? यस अगर आधी रिंग है, तो मैंने एक टर्म लिखवाई है कि अगर रिंग वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, मतलब देखो ये एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अगर वाई के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और अगर वाई के अबाउट एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो बच्चा क्या होगा मेरे पास, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जीरो होगा, ठीक है जी। अब मुझे निकालना क्या है, इस वाले केस को मैं डील कर रहा हूं, इस केस में मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, सेंटर ऑफ मास का, मानते हो? यस सर। तो कैसे निकालें इसको, एनीवन? क्या हमें वो साफ का इस्तेमाल लैम्डा वाला करना यूज पड़ेगा? करेंगे सर वैसे। लैम्डा वाला यूज करेंगे, रिंग है हाँ, ना। डीएम वाई बाय इंटीग्रल डीएम करना पड़ेगा बच्चा, लिखवाया था मैंने, ये याद करो। यस सर। तो मुझे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, और उस एलिमेंट का मुझे क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए, ठीक है जी। तो सुनो, एलिमेंट कैसे लूं मैं, जैसे मान लो मैं यहां बना रहा हूं, देखो थोड़ा बड़ा बनाया तो यहां दिख रहा है सबको, हाँ ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो हम यहाँ पे, यहां से थीटा पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट लेंगे, थीटा पे जाके क्या लेंगे, एक डी थीटा एलिमेंट लेंगे। अब मैं इस डी थीटा एलिमेंट को बड़ा दिखा रहा हूं, पिज्जा की स्लाइस देखे तुम लोगों ने, यस सर। खाई भी होगी यार, चलो गुड। तो ये डी थीटा है, इसका रेडियस कितना है, आर है मान लो, रिंग का रेडियस आर मान ले। तो बच्चा मुझे ये बताओ कि
कि ये वाली लेंथ कितनी होगी? d theta into r. d theta. क्योंकि देखो theta is equal to l by r तूने पढ़ा होगा. तो यहाँ पे theta की वैल्यू क्या है? d theta. लेंथ तो निकालनी है और इसकी वैल्यू r है. तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? d theta into r. r d theta बच्चा मानते हो? हाँ ना बोलो. Yes. Yes sir. ठीक है. अब बताओ ये रिंग पे जो मास है वो लेंथ पे है या एरिया पे है या वॉल्यूम पे है? लेंथ. लेंथ पे. तो मुझे पता है कि डीएम को मैं क्या लिख पाऊंगा? लैम्डा इनटू एल लिख पाऊंगा. हाँ ना बोलो. यस सर. यस. तो डीएल की वैल्यू पुट कर दूं? आर डी थीटा. यहां तक कोई तकलीफ? नहीं ना. चलो अब ये इत्तू सा एलिमेंट है. इत्तू सा एलिमेंट मेरे पास है. ये इस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? अगर इसे ओरिजिन मान लूं मैं तो इस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? सुनो ऐसे देखो, ये एलिमेंट है छोटकू सा, ये आर है और ये थीटा है. तो इस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये तो आर कॉस है भाई और आर साइन आएगा भाई. ऐसे मत करो पाप. ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई. तो डीएम पता लग गया. डीएम की वैल्यू तो क्या है? लैम्डा इनटू आर डी थीटा. और वाई की वैल्यू कितनी है? आर साइन थीटा. आर साइन थीटा. नीचे क्या है? लैम्डा वो लैम्डा आर डी क्यू डी थीटा क्यू नहीं भाई. ठीक है जी. अब बताओ थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से 180. जीरो से. देखो ये जो एलिमेंट है, मान लो ये जो एलिमेंट देखो रेड से जो शेड कर रहा हूँ, इसका एंगल तो कितना है? जीरो है. इसका कुछ और थीटा है. इस वाले एलिमेंट का 90 है. इस वाले एलिमेंट का 90 ज्यादा. तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है? पाई वाला. आना बोलो. यस. तो थीटा पे लिमिट लगा दूं जीरो से लेके पाई. यहां भी लगा दूं जीरो से लेके पाई. हाँ जी आदर्श जी बोलो. हाथ खड़ा किया आपने. आदर्श जी नो आइडिया. चलो मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए. ये स्क्रीन तो इसमें होती नहीं है. ओके आदर्श कोई बात नहीं. चलो अब बच्चा देखो, सांप के अंदर जो चीज कांस्टेंट बार आती है ना, तो इस सांप के अंदर क्या चीज? लैम्डा कांस्टेंट है. रिंग का रेडियस कांस्टेंट है. आर कांस्टेंट. बदल क्या रहा है? थीटा बदल रहा है खाली. यस सर. ठीक है. तो लैम्डा बार आ जाएगा, आर स्क्वायर बार आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा. और नीचे यहां भी लैम्डा और आर बार आ जाएगा. Yes. अंदर क्या बचेगा? डी थीटा खाली. अब बच्चा साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद है आपको क्या होता है? माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा. लैम्डा ने लैम्डा को मार देना, एक आर ने एक आर को काट देना. तो यहाँ पे आर आ गया बच्चा और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा. लिमिट क्या है? जीरो से लेके पाई. इसकी वैल्यू क्या आएगी? डी थीटा की. थीटा ही आएगी. यस सर. जीरो से लेके पाई. तो अब अपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी मुझे. अपर लिमिट तो क्या आएगी? कॉस माइनस कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस ऑफ जीरो.
आना बोलो yes. नीचे क्या आ जाएगा पाई माइनस जीरो. अब कॉस पाई बोले तो माइनस वन माइनस वन, तो ये माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस जीरो वन yes. तो ये क्या बन जाएगा टू बन जाएगा मेरे पास, तो टू आर बाय पाई. बात समझ में आई yes. Yes. तो जो रिंग है ना बच्चा ये रिंग दिख रही है इसका देखो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो यहां से इस वाले पॉइंट से कितना ऊपर होगा, क्योंकि उसका देखो इस पॉइंट का जो ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चा, इस पॉइंट का मुझे पता है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है तो ये आपको आना चाहिए. ठीक है जी, तो सीबीएसई में तो रिंग से कोई कुछ चीज पूछता नहीं है, मतलब जो आपके इलेवंथ वाला सिस्टम है इतना याद रहेगा बच्चा. कर दोगे ये yes. चलो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, मैंने आज एक चीज बनाई है तुम्हें दिखाऊं क्या yes. मैं एक फॉर्मेट पे वर्क कर रहा हूँ, बताना तुम्हें अच्छा लगे बता देना, अदरवाइज फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं.